जय बजरंगबली। अब आप देखो एक बार सामने का नजारा। बाकी अभी जो मजा आ रहा है ना, वो मजा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार आपको। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। तो सबसे पहले चेक करिए अभी का वेदर, मतलब इतना ऑसम वेदर हो रहा है ना यार, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपनी लाली को लेके बाहर आ गया राइड पे। तो अभी वैसे मैं जा रहा हूँ अपना पेट्रोल पंप वाले बालाजी हनुमान जी के मंदिर, जो जयपुर का एक फेमस मंदिर है। पहले इतना उसको कोई जानता नहीं था, बट अब बहुत जाने लगे। और उसके बाद शनि महाराज जी के मंदिर, तो अब राइड पे भी निकले हैं और भगवान जी के दर्शन भी करेंगे। तो चलो फिर चलते हैं। गाइस वहाँ का ट्रैफिक ज़्यादा था तो इसलिए मैं ये गलियाँ यूज़ कर रहा हूँ। अभी यहाँ से एक बहुत छोटी सी गली आएगी तो उसमें से निकलेंगे अभी हम। तो अभी हमें जाना है राइट। देखो अब है ये छोटी सी गली, बस सामने से कोई फोर व्हीलर ना आए। तो फाइनली निकल चुके हैं इस गली से और आ गए हैं मेन रोड पे। अब चलो सामने पुलिस वाले अंकल हैं। आई होप आप मेरे मोटो व्लॉग एंजॉय करते होंगे। अगर एंजॉय करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार। आपके एक कमेंट से और एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ मैं। और जो भी हैं कंटेंट क्रिएटर, वो सब के साथ यही सीन होता है। अगर आप सपोर्ट करते हो तो उनका मन करता है कि वो और अच्छे से मेहनत करें और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएं, वीडियोस बनाएं, अपने कंटेंट बनाएं। तो अब आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड पे यहाँ पर है पेट्रोल पंप वाले बालाजी। तो यहीं पहले हम दर्शन करेंगे और फिर आगे निकलते हैं राइड के लिए। तो एक बार आप सब लोग भी दर्शन कर लो। जय बजरंगबली। तो गाइस अभी हमने दर्शन कर लिए यहाँ पे हनुमान जी के और अब हम जा रहे हैं आगे शनिदेव जी के मंदिर। बट मैं अपना फ़ोन एक बार बैग में रख दूं और बैग को भी देखो मैंने अपने रेन लाइनर से, बैग के रेन लाइनर से कवर करके लाया हूँ। ओ भाई बच गया, अभी तो गिर जाता। और इसको रेन लाइनर से इसलिए कवर करके लाया हूँ क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, जिससे मेरी बाइक भी अभी थोड़ी गंदी हो गई है, देख सकते हो आप। तो चलो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट मंदिर, शनिदेव जी के अभी मंदिर जाना है और फिर उसके बाद थोड़ी राइड करेंगे हम। मैं सोच रहा हूँ इस फ्लाईओवर पर जाऊँ मैं ऊपर, जिससे मैं आपको अच्छा से एक व्यू दे पाऊँ, जो अभी वेदर हो रहा है और वो मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। तो चलो फिर चलते हैं पहले शनिदेव जी के मंदिर, लेट्स गो। तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पीछे पेट्रोल पंप वाले बालाजी और ये कॉर्नर पे आपको वहाँ पे एक दिख रहा होगा शनिधाम, तो वो एक छोटा सा मंदिर है शनिदेव जी का और वहीं अभी हम जा रहे हैं। जय शनिदेव। सो लेट्स गो गाइज, अब एंजॉय करो आप मेरी राइड। सो ट्रैफिक में जब तक खड़े हैं तो मैं कुछ बातें कर लेता हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 30 डेज़ का मेरा डेली व्लॉग चैलेंज चल रहा है, वो मैंने खुद को चैलेंज दिया है कि मुझे 30 डेज़ रेगुलर व्लॉग डालना है, तो डालना चाहे कुछ भी हो जाए। और ये जो व्लॉग है वो डे 3 का व्लॉग है। तो गाइज़ डे 1 का व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो चेक कर लेना आई बटन पे, क्योंकि वो व्लॉग जो है वो इसका एकदम अपोजिट है यार। क्योंकि वहाँ जब मैं राइड पे निकला था तो 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे मैं राइड पे निकला। आप देख सकते हो दिन के 12 बजे के आसपास मैं निकला था और इतना ज़्यादा टेम्परेचर था, बट मैं राइड को लेकर इतना डेडिकेट था ना कि मैं निकल गया और मैंने व्लॉग शूट किया। और आज भी मैं राइड को लेकर इतना डेडिकेट हूँ और आज वैसे जो मुझे फोर्स किया है वो किया इस वेदर ने। अदरवाइज़ मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये व्लॉग बनाऊंगा, मैं कुछ और सोच रहा था, बट ये व्लॉग मुझे बनाना पड़ गया क्योंकि वेदर इतना अच्छा था, मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैं अपनी लाली को लेके निकल गया सीधा राइड पे। और फिर मुझे मंदिर जाते हुए आना था तो मैं मंदिर भी चला गया और ये व्लॉग भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब बस मैं चाहता ये हूँ कि जो सामने कट दिख रहा है वहाँ से मैं यू टर्न लूँ और सीधा उस फ्लाईओवर पर जाऊँ और वहाँ से जो व्यू मिलेगा ना यार। अब ये ज़्यादा लेट हो जाएगा तो अंधेरा होने वाला है लग रहा है, और वेदर की वजह से पता भी नहीं लग रहा। बाकी मैं नहीं चाहता कि अंधेरा हो और मैं ये सब चीज़ें मिस कर दूं जो मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ, इसलिए जल्दी बस अभी ग्रीन लाइट हो गई है सामने, देखो अगर आप देख सकते हो तो। चलो तो बस जल्दी से ये निकले और हम यहाँ से यू टर्न लेके निकले। कम ऑन कम ऑन। ओके गाइस, तो यू टर्न लेके मैं आ चुका हूँ, बस अब निकल रहे हैं हम फ्लाईओवर पे। तो गाइज इस फ्लाईओवर पे मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये जो मौसम हो रहा है ना यार, तो इसके मज़े लेने हैं बस।
सुकून मिलता है ऐसे वेदर में राइड करने में। और लिटरली मैं देखो शॉर्ट्स में आ गया हूँ आज, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में निकला। सो दोस्तों आई होप आप भी मेरे साथ ये राइड इंजॉय कर रहे होंगे। देखो कितना ऑसम वेदर हो रहा है। मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है। और अगर आपने मेरा डे टू का व्लॉग नहीं देखा तो वो व्लॉग भी जाके ज़रूर से चेक करना, जो जस्ट इससे पहले वाला व्लॉग है, क्योंकि उसमें आपको एक अलग ही सौरभ देखने को मिलेगा। मेरे कुछ हिडन टैलेंट्स हैं मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए, बाकी जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वो तो मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या क्या करता हूँ, और जो नहीं जानते हैं वो उस व्लॉग को जाके देख लेना, तो वो व्लॉग भी आपको देखने में मज़ा आएगा, आप इन्जॉय करोगे, कुछ अलग रहेगा आपके लिए। इसलिए चलो, बाकी अभी जो मज़ा आ रहा है ना वो मज़ा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार आपको। जो फीलिंग है ना इस राइड की, सीरियसली ये सब एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, आज तो ठंडी ठंडी हवा और चल रही है साथ में। उस दिन मतलब एकदम ऑपोजिट था यार, डे वन को तो इतनी गर्मी थी, इतना टेम्परेचर था, लू चल रही थी, और आज जो मज़ा है वाह। अब आप देखो एक बार सामने का नज़ारा, कितना 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 अच्छा वेदर हो रहा है यार, कितना अच्छा लिटरली। इन्जॉय द राइड भाई। सामने देखो ये जो ट्रैफिक है ना, ये ट्रैफिक सारा मूड बिगाड़ देता है। बाकी आप लोग तो जानते हैं मेरी राइडिंग स्किल्स, और वो भी अच्छी लगती है, तो कमेंट करके बता देना जिस तरीके से मैं इतनी भारी बाइक को, इस जीटी को मैं हैंडल करता हूँ। मेरा खुद का वेट है 64 kg अराउंड, और इसका वेट है 200+, और फुल टैंक के बाद तो 214 kg हो जाता है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब चलते हैं थोड़ा हाई पर। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है, मेरे ऊपर अभी एक बूंद आके गिरी जस्ट। तो देख लो कैसे मैं निकाल रहा हूँ मेरी बाइक को, बस एक गैप मिलना चाहिए थोड़ा सा, देन जूप जैप करके ही निकलते हम सीधा। हा इधर से चलते हैं। ओ हो, ओके ओके चलो इधर चलते हैं। इतनी सारी रेड लाइट्स दिख रही है एक साथ, सबने ब्रेक लगाया है। आई एम कूल, नाइस, या सबको पता है मैं कूल हूँ। तो अंधेरा होता जा रहा है यार, बाकी राइड करने में तो मज़ा आ रहा है। एक राइडर को चाहिए क्या, बस राइड और क्या। क्या लाइन बोली मैंने यार, एक राइडर को चाहिए क्या, बस एक राइड। मतलब जो फील है यार, फील फील की बात है बस। हाँ, एक राइडर को सब चलेगा, बस ये ट्रैफिक नहीं। वाह, मतलब टैलेंट देख रहे हो मेरा। निकलो अंकल यार, निकलो यार, फिर मैं अब उड़ाने वाला हूँ मेरी बाइक को। बस मुझे फील आ रहा है, मुझे अंदर से ऐसा हो रहा है कि नहीं नहीं रुक सकता, मैं नहीं रुक सकता यार। ओ हंटर बाबू भी आ गया बीच में। आई होप आप मेरी राइड एंजॉय कर रहे होंगे। अरे भैया बहुत ही बढ़िया यार, ऐसे कट दोगे तो एक्सीडेंट तो बनता है, और आप तो इंडिकेटर भी नहीं देते यार। ऑसम वेदर, ऑसम पर्सन,
ऑसम बाइक, तो मज़ा तो आना ही है। बस अब मैं अपने घर की तरफ ही जा रहा हूँ और इस राइड पे मैंने तो बहुत मज़े किए और जितनी क्लिप्स मैंने आपको दिखाई एडिट करके, आई होप आपने भी वो एंजॉय की होगी। चलो फिर चलते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय गाइज, सी यू सून। जय हिंद, जय भारत। अरे बारिश आ गई यार, बाय।